और अब बात उस खबर की जिसने पूरे देश को दहला दिया। जी हां, दुमका की बेटी की मौत के बाद अब एफएसएल की टीम एक्शन में आ गई है। एफएसएल की टीम छात्रा के घर जांच के लिए पहुंची। एफएसएल की टीम ने मृतक छात्रा के घर से सबूत इकट्ठा किए हैं। दुमका की बेटी को जिस कमरे में जलाया गया, उस कमरे में जाकर फॉरेंसिक जांच की टीम ने वहां से सबूत इकट्ठे किए हैं। जिस खिड़की के पास से एफएसएल की टीम आरोपी का फिंगरप्रिंट तलाश रही है, जिस खिड़की के पास से उसने केरोसिन फेंका था, फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम, फिंगरप्रिंट ब्यूरो की टीम और सीआईडी की टीम, ये तमाम एजेंसियां वहां पर पहुंची हुई हैं और जांच कर रही हैं, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं। आप सबको मालूम है कैसे दुमका की बेटी ने अपनी मौत से पहले अपनी आखिरी इच्छा जताई थी कि जिसने उसके साथ ऐसा किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और उसके बाद जब इस बात को लेकर काफी हंगामा हुआ, तब जाकर झारखंड की सरकार एक्शन में आई है और अब वहां पर देखिए तमाम एजेंसियों की टीम पहुंची है और सबूत इकट्ठा कर रही है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस खबर में अगली अपडेट यह है कि दुमका की बेटी की मौत की जांच करेगी एसआईटी। अंकिता की मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के सुपरविजन में एसआईटी इस हत्या की जांच करेगी। आदेश तो हम लोग को कल ही मिला है और हम लोग जल्दी यथाशीघ्र जैसे आदेश मिला हम लोग तुरंत इसका अनुपालन करते हुए हम लोग यहाँ फैसला लेने के लिए आए हैं। नहीं, अभी कुछ कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं, हम लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं और आगे हम लोग कोर्ट को प्रस्तुत कर देंगे। सर, टीम में सर कितने लोग शामिल हैं? हम लोग लगभग 9 से 10 लोग हैं टीम में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, कुमार कुंदन। कुमार, एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है, आगे के क्या है अपडेट बताइए। देखिए, एसआईटी की टीम यहां पहुंचने वाली है, अभी तक पहुंची नहीं है क्योंकि अभी तक जो दुमका की स्थानीय पुलिस है वही इस मामले की जाँच कर रही थी। सुबह से एफएसएल की टीम आई थी, वो ये कई सारे सबूत इकट्ठा करके गई है, तो एसआईटी भी यहाँ पे पहुँची है। चूँकि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसका गठन किया गया है और हालांकि पुलिस के कुछ आला अधिकारियों से हमारी बात हो रही थी, उनका कहना था कि केस में बहुत ज़्यादा कुछ की गुंजाइश नहीं है, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी है और ख़ास करके पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन है, तो ये सारी सब चीज़ें हैं, तो इसके बाद कुछ रह नहीं जाता है सिवाय इसके कि कुछ साफ सबूतों को इकट्ठा करके और ये बताएं कि क्या है मामला। तो ऐसी स्थिति में जो एसआईटी की टीम है, बताया जा रहा है कि दोपहर बाद यहाँ पहुँच सकती है और उसके बाद जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है। इन सब के बीच एक दो जानकारी मेरे साथ आपके पास आते हैं, ये तमाम जानकारियां जो दे रहे हैं अभी आपसे आगे आएंगे और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर जो है वो बता दें अपने दर्शकों को, फिर आपके पास आते हैं। दुमका की बेटी के मर्डर केस में जांच अधिकारी पर गाजगिरी है। जांच अधिकारी डीएसपी नूर मुस्तफा हटाए गए हैं। बीजेपी ने डीएसपी पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया था। एसपी स्तर के अधिकारी की निगरानी में अब जांच होगी, तो जो डीएसपी है उनके ऊपर तमाम सनसनीखेज आरोप लगे थे आरोपी को बचाने को लेकर, और बीजेपी ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया था डीएसपी नूर मुस्तफा के खिलाफ, जिसके बाद अब नूर मुस्तफा को इस जांच से हटा दिया गया है। कुमार कुंदन के पास चलते हैं। कुमार, यह मामला बहुत ज्यादा सुर्खियों में छाया, नूर मुस्तफा जो कि डीएसपी है उन पर आरोप लगे कि वो उस आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ऊपर इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने का आरोप है। अभी वहां पर क्या है, अब उनको हटाकर कौन से अधिकारी जांच करेंगे और नूर मुस्तफा को लेकर क्या वहां पर राजनीति हो रही, बताइए। देखिए, दरअसल क्या हुआ था इस पूरे मामले में, दो वाक्य ऐसे हुए थे जिसकी वजह से संदेह के घेरे में पुलिस ऑफिसर आए थे। पहला वाक्य तो ये कि जो अंकिता की जो पीड़ित है उसकी उम्र को लेकर बताया जा रहा था कि उसको बालिग बता दिया गया था, जबकि परिवार वालों का यह दावा था कि वो लड़की नाबालिग थी, पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरा आरोपी था शाहरुख तो पकड़ा गया था, लेकिन दूसरे आरोपी कल पकड़ा गया, तो बताया जा रहा था कि दूसरे आरोपी को बचाने की कोशिश की गई। ये वो आरोपी था जिसने कि पेट्रोल मुहैया कराया था शाहरुख को, और भी कई सारे ऐसे तथ्य थे जिसको लेकर विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा था कि जो पुलिस के आला ऑफिसर हैं वो इस केस को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि बाबूलाल मारंडी से लेकर जितने भी बीजेपी के नेता है, सब नेताओं ने अपनी इस बात को दोहराई। और आज चूंकि अब एसआईटी गठित हो गई है, तो ऐसे में नूर मुस्तफा की जगह किसी और अधिकारी का कोई मतलब नहीं रह जाता, चूंकि पूरा केस अब एसआईटी को ठीक है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।